What's up guys, welcome back to Indriya Studio. आज हम रिएक्ट करने वाले लिल यश चैनल से बैक बेंचर का फर्स्ट पार्ट. थर्ड पे हमने रिएक्ट किया और आप लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस चलता है हर चीज में एक्चुअली. ओ भाई वो लेटेस्ट वीडियो थी. तो क्या आज वो अप्सरा रूप की टीचर दिखेगी इस वीडियो में? क्योंकि उस वीडियो में हमने देखा था कि टीचर को बहुत सुंदर दिखाया गया था. और देखते हैं गोलू के क्या ड्रामे होते हैं इसके अंदर. चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें लाइक. 1 2 3 गो. चश्मा देख के टॉपर समझी क्या? तो समझाना पड़ेगा. ये मेरा दोस्त गोलू है. इसके जिंदगी का पहला मकसद जानते हो क्या है? कलेश. कल 11th क्लास के लड़के को जानते हो क्या कह रहा था? ओए ब्रो छोड़ दे मुझे. ये लोग धमकी दे रहे थे मुझे पानी लाने के लिए. क्या रहे मैं बोल दूं सारे स्कूल को तो प्रिंसिपल की बेटी को लाइन मारता है? देखो तो किसी ने सुना तो नहीं. प्रिंसिपल सर तुम दोनों मुझे टीचर रूम में मिले. तुम दोनों मतलब तुम्हारे अलावा. म्यूजिक ये भी वो बजा रही है. सॉरी आपको कल गांडू कह रहा था. इसके ना सारी बातें घटिया है पर सबसे ज्यादा वाहियत तुम्हें पता है ये साला कभी भी डिसीजन चेंज कर देता है. ओए ब्रो कैसे बोलूं चल ना हम भी रील बनाते हैं. वो टॉपर होके बैक बेंचर को रील बना के व्यू चाप रहे हैं. ये सही था कैरेक्टर का. अरे यार हम तो छा जाएंगे. ब्रो वेट टॉपर रील बनाते हैं बट बैक वेंचर ट्रेंड बनाता है. बात सही है. क्या आपको छोटे ही और बड़े ही में फर्क नहीं दिखता? क्या आप भी कल से सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो? आपने भी होमवर्क नहीं किया एंड आपका फट रहा है. स्कूल में माइक कौन लेके आई? मैं सॉरी मैम. पूरे स्कूल ने होमवर्क सबमिट कर दिया सिर्फ आप दोनों महाशय को छोड़ के. कृपया करके हमें बताने के कष्ट करेंगे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? नहीं क्या भावना दिया जाए. मैंने तुम्हें कुछ पूछा था क्या? सर आप भी तो समझो दिन भर स्कूल रहता है. बेटे दिन भर स्कूल रहता है पर रात भर नहीं. सर हमारे इलाके में ना लोड शेडिंग हो गया. सारे बिजली वगैरह चला गया. मोमबत्ती जला के नहीं पढ़ सकते थे? सर मोमबत्ती था पर माचिस नहीं था ना. अब ये माचिस किधर था? सर माचिस मंदिर घर में तो था. मंदिर घर से लाए क्यों नहीं? सर नहाया नहीं था ना. अब नहाया क्यों नहीं? सर वो पानी वगैरह नहीं आया. आप कृपया मुझे बताएंगे कि ये पानी क्यों नहीं आया था? क्या बनोगे रे सर आप? मैंने ना पहले ही बोला था लोड शेडिंग था. बिजली नहीं तो पानी कौन देगा? कल रात कौन सी मूवी आई थी? राधे किसको नहीं पता है. राधे आजा बेटे आजा. कौन राधे? राधे कौन? तो आज मैं बताने वाला हूँ एज एन बैक बेंचर स्कूल के बारे में. ब्रो पहले स्कूल का स्पेलिंग बता के दिखा तो. अरे जाना तब मैं तो बता के दिखाना. वन सेकंड वेट. हेलो मुंसी पार्लियामेंट केंद्र आपने ये कौन सा कचरा छोड़ दिया? ले जाओ इसे. अबे साले मुंसी पार्लियामेंट नहीं म्यूनिसिपलिटी होती है. आप सबको लग रहा था मुझे इंग्लिश नहीं आती है. इंग्लिश बहुत ही ज्यादा ईजी है. स्कूल के स्पेलिंग क्या था? हाँ ISKUL. आए तो तेरे स्कूल से पढ़ा है पक्का? आप लोगों को तो मैंने इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया. आज मुझे जितनी भी इंग्लिश आती है इसी सर के वजह. तुम लोगों का पता नहीं बट मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा मिस्ट्रेस प्लेस था टॉयलेट रूम. आई मीन टीचर रूम. उस लाल पर्दे के अंदर एक्चुअली में है क्या? अगर ये आप टॉपर से पूछो. भैया वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे पढ़ाई को लेके रिसर्च होता है. अजी घंटा पढ़ाई के ऊपर रिसर्च होते हैं. टॉपर जयबीर को जानते हो? टॉपर जयबीर? ओ टॉपर जयबीर वो तो हर साल टॉप करता था. उसे कौन नहीं जानता? करता था पर वो अब किधर है तुम लोगों को पता है? मुझे पता है वो अभी लंदन में पढ़ता है. तुम बताओ तुम क्या जानते हो? नहीं मालूम. उसे तो टीचर रूम में टॉर्चर किया जाता पर वो टॉपर है ना. यही तो उसकी गलती है. तो अब हम क्या करें? बैक बेंचर के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ. उफ़ ये गोलू ही ना. तो असलियत में उस लाल पर्दे के अंदर में एक्चुअली क्या है ये जानने के लिए मैंने वो पर्दा हटाया. एंड यू गेस इट क्या था? मैंने क्या देखा? ओह शिट सर भोजपुरी संगीत पे मुजरा कर रहे हैं. मुझे नहीं पता ये लोग एडमिशन कैसे करते हैं स्कूल में. नमस्ते प्रिंसिपल शाह बोलो. ये रहा मेरा भांजा. इसकी जिंदगी ना मैं फुल झंड करना चाहता हूँ. तो प्राइवेट स्कूल में ले जाओ. नहीं 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 थोड़ा कम झंड. गुड मामा शार बट आपकी पीछी है ना वो कमाल की है. बच्चे की आंखों में एक भी आंसू नहीं है. ये उसका पहला दिन है समझ ही नहीं आ रहा है. सर ये हमारे संस्कार है. मामा मुझे डीजे आलोक तो मिल जाएगा ना इसके बाद? डीजे आलोक एक फ्री फायर कैरेक्टर है जिसके पीछे भारत की आधी आवाम कुत्तों की तरह पीछे पड़ी है. अगर आप बटुआ निकाले हैं वहाँ पर 800 रुपया गायब हो तो समझ जाइए आपका बेटा भी डीजे आलोक है. एक्चुअली मेरे बटुए में से 800 रुपया कहाँ गया? ले गया. तो कंटिन्यू करो. तो मेरा ऑफर है. वेट वेट इस बार तुम नहीं मैं ऑफर देता हूँ. तुम अगर मुझे डीजे आलोक करो तो इसकी जिंदगी में और झंड कर दूंगा. दिल पक्की. उसको डीजे आलोक करो तो मिशन पास. रिस्पेक्ट. स्टूडेंट सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जानते हो कब आता है? जब तुम सोचते हो हाई स्कूल बेटर है प्राइमरी स्कूल से. तुम्हारा कटने वाला है. हाई स्कूल के पहले दिन तुम एक्सपेक्ट करते हो सामने से एक लड़की आएगी एंड बोलेगी वाह क्या लड़का है वेरी हैंडसम बॉय इससे तो बहुत मजा आएगा.
सीढ़ियों से फिसल के गिर जाते हैं, सिर पे लग जाती है, दिमाग हिल जाता है, यहाँ पे आके अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। धीरे-धीरे जब तुम स्कूल में रहने लगते हो, तुम्हारा आदत बनता रहता है, एंड स्पेशली जीसीएफडी के मतलब गाना चरस फूक के नॉलेज देने वाले ग्रुप से तुम्हें स्पेशली पता चलता है स्कूल में स्टूडेंट तीन भाग में विभक्त है। टॉपर बैग में कुछ नहीं होता, सारे स्टूडेंट होते हैं। एक बार इन सबको बातों में फंसा लो, फिर मैं ही टॉप करूंगा। ब्रो ये रहा संजीव सर के नोट। अरे धीरे बोल, सामने टॉपर शांतनु खड़ा है, इस बार उसे किसी भी तरह टॉप नहीं करने देना। मेरे बारे में बात बोल रहे हैं, उन्हें क्या पता कि संजीव सर को फिक्सिंग करके मैं ही नहीं गलत नोट देता हूँ। नंबर के भूखे टॉपर्स द्वितीय श्रेणी। अरे ब्रो माँ का फोन कैसे बैठा है? हेलो आंटी, वो हाँ वो तो यहाँ पर नहीं रहता, वो तो उसे आप गांजे और चरस के फैक्ट्री में आपको मिलेंगे। क्या अटेंडेंस? हाँ अटेंडेंस तो पक्का देता है, पर हाई स्कूल में नहीं, गर्ल्स स्कूल में। ब्रो तेरी माँ बार बार मेरे नाम पे क्यों बात कर रही है? अबे साले वो तेरी माँ है। बस इस वीडियो में कुछ इतना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप मुझे गंदे गंदे गाली पकना चाहते हो तो लाइक कर दो, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आप मेरे चैनल में जुड़ना चाहते हो तो लाइक कर दो। सब बराबर बोला ना? एंड ऑल्सो ये मेरा पहला वीडियो, तो मैं खुद का इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ममड़ा नाम है यश, एंड प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कालू मदारी आया बंदर लेके। मजाक कर रहा था, लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं लिल यश। तो इस वीडियो में कुछ इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तब तक के बाय। सो वो चीज यार टीचर नहीं दिखी इसमें। हाँ। दिल दुखा मेरे को, लेकिन टीचर आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसे स्कूल में होते हैं टीचर्स कि पहले तो पूछेंगे क्यों नहीं करा, फिर बच्चे बहाने मारेंगे, फिर उसको भी टैकल करते हैं। वो बढ़िया था, जैसे पूछे ना पिक्चर कौन सी थी कल राधे, उसी टाइप में भाई साहब बत्ती गोल उसकी। मजा आता है मेरे को, जो एनिमेशन वाली वीडियोज होती है ना, अगर वो कॉमेडी वे में बनाई गई है तो बहुत मजा आता है देखने में। और ऐसी वीडियोज खासकर जैसे नॉट योर टाइप की हो गई, लिलियर्स की हो गई, हार्टून्स की होगी, तो इसमें एक अलग ही वाइब्स रहती है, स्कूल लाइफ याद आ जाती है। एक आरजे बकेट लिस्ट, ये कुछ लोग हैं जिनकी वीडियोज बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैंने किसी का नाम मिस किया हो तो आई एम क्षमा प्राप्ति। तो इसको जान से मार दें, गोली वोली मार। पागल पागल यार तू, मेंटल है, सीरियसली ले जाएं लोग भाई। लेकिन मजा आया। और एक वो बढ़िया था कि क्या कह रहा था कि ये प्रिंसिपल लड़की पे लाइन मारता, बता दूंगा। हाँ। पीछे प्रिंसिपल आ जा बेटे, मुजरा हो रहा था उसमें, उसके पर्दे के पीछे। हाँ भाई, लेकिन देखो मजा आया वीडियो देख के। आपको आता है ना तो आप और वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हो। अब इसका बैक बेंचर पार्ट टू जल्दी लेके आते हैं। उसमें लिखा था @ हर्ष बेनीवाल, तो हर्ष बेनीवाल से रिलेटेड कुछ होगा उसके अंदर मुझे लगता है। बाकी लिलियश अमेजिंग जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने एक चीज देखी एनिमेशन में कितना फर्क आ चुका है, बैक बेंचर 3 जो हमने देखी थी उसमें और इसमें। और गोलू बड़ा भी हो चुका है। गोलू बदमाश हो रखा है, ये चीज तो मानने वाली। अच्छा था कि सर लाइट नहीं आई थी, फिर अरे सर क्या सर बनोगे बता, लाइट नहीं पानी की बात कर रहे थे। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, और वीडियो सेस करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।